तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है, ये देखिए। और सभी जितने भी गाड़ी से आ जा रहे थे सभी लोग आके यहाँ पे ओवरब्रिज के नीचे रुके हुए हैं। तो देखते हैं बरसात ख़त्म जैसे ही होता है आप लोगों को यहाँ इस मार्केट का नज़ारा दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा वेट करना होगा। बाकी आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं बरसात का। देख रहे हैं इधर पूरा ये ऊपर से पानी गिर रहा है, सड़क के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा है देखिए यहाँ पे। और बाकी इधर का थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये पूरा यहाँ पे पानी आ गया है देखिए। और सभी लोग, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है इसके वजह से सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं ताकि भीग ना पाएँ। और वहाँ पे एक शॉप की दुकान है जोशी वंशिका स्वीट शॉप, पानी काफ़ी तेज़ी से आ चुका है और काफ़ी तेज़ से देखिए यहाँ पे बादल भी घेरा हुआ है। हालांकि मौसम थोड़ा सा साफ़ हो रहा है बट देखते हैं। और ये सामने बैचलर सारी सेंटर की दुकान है। तो दोस्तों देखते हैं कब तक बरसात होता है, थोड़ा सा वेट करेंगे और वेट करने के बाद आप लोगों को राजा तालाब का पूरा मार्केट का नज़ारा दिखाऊँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि आज का जो मौसम है थोड़ा सा बदल गया है और बरसात बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। तो चलिए वेट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों बरसात हो गया है कम और पूरी तरीके से पानी निकल चुका है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ था बट अभी देखिए यहाँ से सब लोग जा चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा आपको दिखाते हैं यहाँ का मार्केट। और हालांकि अभी थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो इधर से पहले निकलते हैं। अब ये रामेश्वर की तरफ जाएगा रोड और यहाँ से जनसा 6 किलोमीटर है, रामेश्वर 14 किलोमीटर और यही रोड जाता है। तो अभी देखिए ये पूरा पानी पानी हो गया है, हाफ भी जस्ट ही बस पानी बरसा। और ये भाई साहब क्यों गिर रहे हो आप? तो थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि अभी स्लिप कर रहा है बाइक वगैरह। और ये रहा है आपका राजा तालाब का मार्केट। तो इधर से थोड़ा सा चलते हैं, आपको दिखाते हैं बाकी ये ओवर ब्रिज का सीन है पूरा। और यहाँ पे देखिए सभी लोग फल वगैरह लगाए हुए हैं और थोड़ा सा ट्रैफिक होगा क्योंकि अभी अभी बारिश तुरंत जस्ट ही ख़त्म हुआ है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ये देखिए। तो अभी हम आ चुके हैं थोड़ा सा सब्ज़ी मंडी की तरफ और हालांकि पानी है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था इसलिए मैं उधर नहीं जा पाया। तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे पूरा सड़क पे पानी लगा हुआ है और बाकी व्यू आपको कैसा दिख रहा है आप लोग खुद देख सकते हो। और ये जो रोड जाता है पता नहीं किधर जाए, किस मार्केट की तरफ जाएगा। थोड़ा सा इधर का भी व्यू आपको दिखाते हैं। और जस्ट अभी पानी तो निकल चुका है, यहाँ पे देखिए पानी लग चुका है रोड पर। तो हम यहाँ से भी घुमाते हैं, ये देखिए ये पूरा पानी लग चुका है। तो उधर जाने लायक है नहीं, तो इधर से मैं चलता हूँ फिर आगे की तरफ। किसी भाई ने कमेंट किया था कि यहाँ का वीडियो बनाओ तो उसकी वजह से मुझे, मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाता चलूँ। और बाकी ये सब फल की दुकान है और ब्रिज के नीचे का सीन मैंने दिखाई दिया और वहाँ पर मैं फिर आ ही गया हूँ। और आप लोगों को वीडियो ज़रा सा अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था बट जैसे ही पानी बरसा तो मौसम एकदम अच्छा हो गया और एक बार फिर से एक नई ताज़गी ला दिया है शरीर में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बादल भी देख सकते हैं इतना खूबसूरत लग रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग इंस्टाग्राम पर जा कर के मुझे फॉलो कर सकते हो।
और देखिए जैसा यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है, ये राजा तालाब है। तो मैं पहुँच चुका हूँ हाईवे पर और अभी चलता हूँ हाईवे की तरफ। यहाँ से देखिए राजा तालाब सीमा समाप्त हो जाता है, यहाँ से सीमा प्रारंभ हो जाता है मिर्ज़ा मुराद का। जैसे ही पानी बरसा उसके बाद के मैं ये पूरा सफ़र स्टार्ट किया हूँ। पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा था, इसकी वजह से मुझे भी ओवर ब्रिज के नीचे ही रुकना पड़ा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सफ़र में, एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।